अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। बता दें कि अब तक मंदिर के नींव का काम पूरा कर लिया गया है। मंदिर का निर्माण केवल पत्थरों से किया जा रहा है, ऐसे उन राम भक्तों के मन में सवाल खड़े हो गए हैं, जिन्होंने सालों पहले मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन के दौरान ईंटें दान की थी। बता दें कि साल 1987 से 1990 के बीच शिलादान सहित विश्व हिंदू परिषद की ओर से करीब 3.5 लाख ईंटें देश भर से जमा की गई थी। इन ईंटों से देशभक्तों की अटूट आस्था जुड़ी है, इसलिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट अब इन ईंटों का इस्तेमाल मंदिर के नींव को मजबूत करने के लिए कर रहा है। बता दें कि देश भर से जो ईंटें अयोध्या लाई गई थी, उनमें अलग अलग भाषाओं में श्री राम, राम और जय श्री राम लिखे गए हैं। दान में मिली कुछ ईंटों का इस्तेमाल अयोध्या में पहले ही शिला पूजन के दौरान किया जा चुका है और अब जो बची हैं, उसे नींव को मजबूती देने में किया जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, या यूं कहें कि मंदिर की जो नींव का कार्य था वो पूरा हो चुका है। अब जो कि भक्तों को ये भी जानना जरूरी है कि मंदिर का निर्माण किस तरह से हो रहा है, हम आपको दिखाएंगे कि ये जो पूरे रखे हैं पत्थर या कहें ब्लॉक रखे हुए हैं, इन ब्लॉकों को एक दूसरे से जोड़ करके बकायदा मंदिर की जो फर्श है या यूँ कहें कि प्लिंथ का निर्माण किया जाएगा। हम आपको दिखाएंगे कि जो पत्थर हैं या जो ब्लॉक हैं इनमें बकायदा इस तरीके से हम कैमरा से कहेंगे दिखाएं कि ये बकायदे एक नंबरिंग पड़ी हुई है, इसी के अनुसार ये एक दूसरे से जोड़े जाएंगे और फिर मंदिर का जो प्लिंथ है या बेस है या यूँ कहें फर्श है उसका निर्माण होगा। तो कुल मिला के अब चूंकि मंदिर के निर्माण में जो पत्थरों से हो रहा है, तो जो राम भक्तों ने मंदिर निर्माण के लिए जो ईंट दान की थी, तो उनके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर उन ईंटों का क्या होगा। तो हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए ईंटें यहाँ पर फर्श को मजबूत करने के लिए लगाई गई हैं, जिसमें बाकायदा आपको दिखाएंगे श्री राम लिखा हुआ है, अलग अलग भाषाओं में राम, श्री राम, जय श्री राम लिखे हुए ये ईंटों को भक्तों ने दान किया था मंदिर निर्माण के लिए। तो अब उन्हीं पत्थरों को लगाने के बाद फिर जो फर्श होगी इसको मजबूती प्रदान करने के लिए इन ईंटों का प्रयोग किया जाएगा। कुल मिला के अगर यूं कहें तो जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसको लेकर जो भक्तों की आस्था थी, कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट मंदिर का निर्माण कर रहा है उसमें भी इसका ध्यान रखा गया है। कैमरा सहयोगी कमलजीत के साथ पंजाब केसरी टीवी अयोध्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।